जय हिंद, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे स्टडी वाईटी पर। दोस्तों, बहुत सारे भाई लोग का कमेंट आ रहा था कि भैया एसएससी जी का कट ऑफ कितना जाने वाला है 2023 में। तो दोस्तों, जितने लोग भी अभी एग्जाम दे चुके हैं, आपका एग्जाम जो चल रहा है 10 तारीख से लेकर 14 फरवरी के बीच में जो एग्जाम चल रहा है, उसके बीच बहुत लोग अभी एग्जाम दे दिए, 2-3 दिन हुआ एग्जाम देते हुए, और बहुत लोग का एग्जाम अभी तक बाकी भी है। हर एक जोन का, हर एक राज्य का, अलग अलग जगहों का अब एग्जाम बाकी भी है। लेकिन सबसे बात महत्वपूर्ण बात आता है कट ऑफ को लेकर, क्योंकि कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित लोग हैं कि कट ऑफ कितना जाने वाला है इस बार। तो इतना मान के चलिए कि आप सभी के सामने बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि कट ऑफ इस पर पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है जो कट ऑफ इतना कम है। पहली बार ऐसा हो रहा है, लगभग ऐसा हो सकता है कि इतना कम समय आपको दिया गया इसलिए कट ऑफ इतना कम जा रहा है पहली बार ऐसा, क्योंकि जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ कोई मुझवानी और ये नहीं है, ऑफिशियल रूप से जो कट ऑफ आया है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। और देखिए, एक बात आपको मैं पहले बताना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको लगा कि आप लोग पास हो गया है, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आप कितने लोग पास हो गए हैं हमारे वीडियो देखकर। ऐसा लगे कि मतलब एक एवरेज मिला सके कि मेरा इतना नंबर आ गया है और हमको लगता है सब पास हो गए इसलिए। और जितना हो सके आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ जो मैं कट ऑफ को लेकर बताया हूँ मेल और फीमेल दोनों के लिए है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले मेल की बात करता हूँ, पुरुष लोगों का। अगर आप पुरुष हैं, मेल हैं, तो उनके लिए पहले कट ऑफ जान दीजिए। यहाँ मेल की बात करता हूँ तो मेल में पहले आता है दोस्तों जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अलग अलग जोनों के वाइज अलग अलग राज्यों के हिसाब से है, लेकिन एक एवरेज जो कट ऑफ गया है सभी लोगों का ऑल इंडिया के लिए, वो पहले मैं बताना चाहता हूँ। जो जनरल अगर आप बिलोंग करते हैं, तो जनरल में आपका है कम से कम 75 से लेकर 78 के बीच में आना चाहिए, तो आपका पक्का सिलेक्शन है 100% गारंटी के साथ। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बार कट ऑफ इतना लो गया है, बहुत पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहले जाता था 90+ 95+ कट ऑफ जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जनरल का कट ऑफ 75 से लेकर 78 के बीच में रखा गया है। और उसके बाद दोस्तों अब बात आता है ओबीसी के लिए, लेकिन इसके बीच आप सभी के एक जो जरूरी आपको सभी को लग रहा होगा कि इस भाई के साहब के पास आपका कट ऑफ कहाँ से आया। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत लोगों का पता भी होगा जो मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं कि मैं अभी कॉन्टैक्ट रखा हूँ ऑफिशियल से, जो भी न्यू अपडेट आता सबसे पहले देता हूँ। तो आप सभी के कट ऑफ को लेकर पहले अपडेट नहीं आएगा, कुछ दिन बाद आ जाएगा, तो मेरे पास आ गया था जो कॉन्टैक्ट है उससे, उसके अनुसार मैं आपको कट ऑफ दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं ओबीसी का जो कट ऑफ जाने वाला है दोस्तों इस बार, यहाँ पर मैं नोट कर ले रहा हूँ, 72 से लेकर 76 के बीच में, ध्यान दीजिएगा 72 से लेकर 76 के बीच में लगभग ओबीसी जनरल लगभग में सेमी कट ऑफ है। तो आइए अब बात करते हैं थर्ड नंबर में एससी कैटेगरी का। अगर आप मेल हो, पुरुष हो और आप एससी कैटेगरी से हो, तो यहाँ पर देखना आपका कट ऑफ जो जाने वाला है 64 से लेकर 68 के बीच में। यहाँ पर मैं नोट कर लिया हूँ ऑलरेडी पहले से ही, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था डाटा उनके अनुसार, तो आपका 64 से लेकर 68 के बीच में कट ऑफ है, तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए आप चलते हैं नेक्स्ट पर एसटी के लिए। तो यहाँ पर जैसे मैं मेल के बात कर रहा हूँ, बार बार मैं कहना चाहता हूँ, और एसटी के लिए जो कट ऑफ रखा गया इस बार 59 से लेकर 62 के बीच में, 59 से लेकर 62 के बीच में जो कट ऑफ रखा गया, इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ही ऐसा लोग होंगे जो फेल कर पाएंगे। लगभग इस बार मुझे लगता है कि 15 लाख से ऊपर लोग यहाँ पर पास होंगे एसएससी जेडी के लिए, यहाँ पर एग्जाम के पास होंगे। मैं फाइनल लिस्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनल मेरिट लिस्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम में इतने लोग पास होंगे, लगभग बहुत लोग छटाते हैं आगे चल के, मेडिकल में छटाते हैं, फिजिकल में छटाते हैं, और इसे छटा जाता है उसके अनुसार आपको लास्ट में 45,000 होंगे, लेकिन इतना आपको समझिए कि एग्जाम में इतना पास हो जाएंगे 100%, क्योंकि बहुत कम, पहली बार ऐसा हो रहा है कट ऑफ कम जा रहा है, वो आसान आसान क्वेश्चन भी आते हैं इसके अनुसार। उसके बाद आते हैं दोस्तों आप सभी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो आपका कट ऑफ जाने वाला है 70 से लेकर 72 के बीच में। बहुत पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों कि इतना लो कट ऑफ जा रहा है। मैं भी शक कर गया था कि मुझे भी ऐसा इन्फॉर्मेशन मुझे मिला, तो सही मैं पूछा कि ऐसा कट ऑफ क्यों हो जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि बहुत कम समय दिया गया, आपका जो है कट ऑफ इधर यही जाने वाला है, तो इसी के अनुसार मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो दोस्तों उसके बाद चलते हैं दोस्तों, जो अगर आप यहाँ पर जो है एक्सरिस सर्विस मैन, और आप सर्विस करते हुए आप जो कट ऑफ दिए हैं, बहुत इनके लिए सबसे ही सब सर्विस कर रहे हैं उसके बाद एग्जाम जो दिए हैं उनके लिए अलग कट ऑफ होता है, आपको पता होगा। एक्सरिस सर्विस मैन के लिए जिसका आया है 49 से लेकर 52 के बीच में कट ऑफ, सबसे इन्हीं का सबसे इजी कट ऑफ है, सबसे कम है सर्विस मैन का। अगर आप सर्विस मैन से अगर फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो आपका 49 से लेकर 52 के बीच में आपका कट ऑफ रहा है, बहुत कम है। तो आइए जानते हैं उसके बाद, अब जानते हैं गर्ल्स की ओर। अगर आप गर्ल्स हैं, महिला हैं, उन सभी का कट ऑफ चलिए देखते हैं क्या है। तो दोस्तों महिला के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, फीमेल कैटेगरी के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपका कट ऑफ जाने वाला है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जनरल कैटेगरी से 65 से लेकर 69 के बीच में कट ऑफ जाने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा चलता हूँ दोस्तों ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ जाने वाला है दोस्तों, यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ ओबीसी, यहाँ पर लिख देता हूँ
ओबीसी के लिए 62 से लेकर 65 के बीच में, अगर आप महिला है तो इनके लिए आपका कट ऑफ इतना जाएगा, इतना में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 100% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, इसका आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों एससी कैटेगरी के लिए, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ जाने वाला है, यहाँ पर मैं देख ले रहा हूँ, 58 से लेकर 61 के बीच में कट ऑफ जाने वाला है। ध्यान दीजिएगा, 58 से लेकर 61 के बीच में कट ऑफ जाने वाला है एससी कैटेगरी के लिए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ एसटी कैटेगरी के लिए, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ जाने वाला है, पर मैं देख ले रहा हूँ वहाँ पर 54 से लेकर 56 के बीच में। अगर आप फीमेल है तो 54 से लेकर 56 के बीच में नंबर रहेगा तो आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, एसएससी जेडी की एग्जाम में आपका पास हो जाओगे, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए, जो ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ है दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, तो मैं एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग, 63 से 64 के बीच में, बस ज़्यादा नहीं है, 63 से लेकर 64 के बीच में आपका रहेगा तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा ईडब्ल्यूएस में। उसके बाद चलिए दोस्तों चलते हैं आपका एक्सटर्नल सर्विस जो था, सर्विस मैन से अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं उसके लिए, तो दोस्तों उसके लिए जो कट ऑफ गया इसमें मैं देख ले रहा हूँ, इसमें जो कट ऑफ गया आप सभी का 42 से लेकर 46 के बीच में कट ऑफ है, ज़्यादा बहुत कम, इतना पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगभग 30-40% कट ऑफ रखा गया है, 40% एग्जाम जितना आपके 60 नंबर था उसमें से किया गया है, पहली बार ऐसा हो रहा है 42 से लेकर 46 नंबर के बीच में हो जाएगा आपका सिलेक्शन, इस बात को कट ऑफ है। और इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई फेक वीडियो ने बिल्कुल भी नहीं है कि आप सभी को बहलाने के लिए, इतना करने के लिए आपको ऐसा दिया गया है, वो रियल वीडियो है, आपको ऑफिशियल रूप से है, यही आपको इन्फॉर्मेशन के अनुसार आपको मिला है, इस बार इतना कट ऑफ जाने वाला है। और आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कट ऑफ के अनुसार कितना आपका रैंक आ रहा है, आपका मतलब पास हो रहे हो या नहीं, इस सब के अनुसार मुझे जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके आप जरूर मुझे शेयर इस वीडियो को जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो के आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।